नमस्ते साथियों। तो आज हम निकालेंगे दही से मक्खन। तो देखिए मैं कैसे निकालती हूँ, वो भी एकदम आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से निकालूंगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने दही जमाया हुआ है, कितना बढ़िया दही हमारी जमी है। तो दही मैंने कटोरी की सहायता से निकाल रही हूँ, तो कटोरी से मैं निकालूंगी, सारी को अलग कर लेंगे दही से। तो कटोरी से निकालने मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैं अब हाथ से ही निकालूंगी क्योंकि हाथ से इजीली निकल जाएगा। कटोरी से निकालने में दही भी आ जा रहे थे, इसलिए मैं हाथ से ही निकाल दूंगी। हाथ से निकालने में बहुत इजीली निकल गया। इधर मैं दूसरी कटोरी में बाबूजी के लिए दही रख रही हूँ खाने के लिए, अभी लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। इधर मैंने अलग से भी एक दिन का और निकाल के रखा हुआ था, इसको भी इसी गमले में डाल दूंगी। अब डालने के बाद मैंने एक खैलर, यानी गांव में उसको आप मतनी बोलते हैं, गांव में तो खैलर ही बोलते हैं, तो इसी से मैं निकालूंगी। तो ये देखिए खैलर, इसी को खैलर बोलते हैं। तो इसी से हम जो है दही को पहले ऐसे गोल गोल जो है घुमाएंगे, लगभग सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, फटाफट आपका जो है मक्खन दही से अलग हो जाएगा। अब देखिए मक्खन छोड़ना शुरू कर दिया दही से, तो ऐसे ही हम मथेंगे 5 मिनट तक, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये देखिए फुटकी जो है आने लगे हैं, तो थोड़ा सा और मत के मैं पानी डाल दूंगी। तो ये भी छोड़ चुका है, बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, पानी आप जितना चाहे डाल सकते हैं, अच्छे से निकल जाएगा आपका। तो मुझे ज्यादा मट्ठा नहीं चाहिए, तो मैंने एक कटोरी ही पानी डाला हुआ है इसमें। तो अब मैं थोड़ा सा और घुमा लूंगी ताकि जो भी मट्ठा इसमें लगे वो भी बाहर निकल जाए। तो अब मैं साफ कर लूंगी, तो सबसे पहले मैं खैलर से जो है मक्खन को साफ कर लूंगी। खैलर साफ करके रख देते हैं, इसके बाद जो है मट्ठा से जो है मैं आसानी से जो है निकाल लूंगी सारे मक्खन को बाहर। तो ये देखिए मैंने कैसे निकाल, कितना इजिली छोड़ दिया हुआ है, तो इसको भी निकाल लेंगे आराम से। दोस्तों जो दही से मक्खन निकालते तो वो एकदम शुद्ध प्योर निकलती है। जो सारे से निकालते हैं लोग गैस पे जमा कर, वो उतनी शुद्ध नहीं होती है। जो दही से निकाले हुए घी निकलता है वो एकदम शुद्ध घी बनता है और खराब भी नहीं होता है। 2 साल, 3 साल, 10 साल तक भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, तो ये देखिए अब धीरे धीरे इसको जो है मीडियम फ्लेम में, एकदम लो फ्लेम में जो है इसको पकाना होता है। हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर कच्चा ही रह जाएगा। तो एकदम लो फ्लेम में ही इसको पकाएंगे, पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर अच्छे से पक जाता है। तो ये देखिए घी छोड़ने लगा। आप इसको कंटिन्यूस चलाते रहिए या फिर हाथ से हिलाते रहिए, तो मैं हाथ से ही हिलाकर निकाल लूंगी, चलाऊंगी नहीं, चलान सर उसमें भी लग जाता है, इसलिए हाथ से चलाकर इजिली निकालूंगी। जब ये बड़े बड़े बुलबुले आने लगे और थोड़ा सा वो जो आपका पेन बैठा रेड हो जाए, तो हम समझ लिए पक चुका है अच्छे से। तो अब हम बाहर निकाल लेंगे, छन्नी की सहायता से इसको छान लेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट घी निकला हुआ है, मैं अभी आपको उठाकर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट घी निकला हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।